गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th। टुडे हम बच्चे आपकी एक्सरसाइज 14.2 के जो कुछ सम रहते थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चे, हमारा एक क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पे हमारा क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होगी, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। ठीक है, सो हमने अभी इस इक्वेशन में क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब बच्चे, हमने बीच वाला जो नंबर है, ठीक है, जैसे 6 हमारा नंबर है, हमने क्या करना है, हमने कोई दो नंबर सोचने हैं जिनको प्लस करके तो आ जाए हमारा 6 एंड मल्टीप्लाई करके आए हमारा 1 × 8 मीन्स 8। ठीक है, मीन्स हमने दो नंबर सोचने हैं जिसको प्लस करके या माइनस करके हमारा बीच वाला आ जाए, क्या आ जाए, 6 आ जाए एंड मल्टीप्लाई करके आ जाए हमारा 1 × 8 मीन्स 8। सो क्या है हमारे वो टू नंबर बच्चे, पी स्क्वायर प्लस, देखो हमारे जो दो नंबर हमने सोचे वो क्या है, 2 प्लस 4 बाहर क्या है, पी प्लस 8। ठीक है, सो 2 एंड 4 हमारे क्या है, उनको ऐड करके आ रहा है 6, मल्टीप्लाई करके आ रहा है हमारा 8। ठीक है, सो अभी हमारे दो नंबर सोचे गए। सो हमने अभी क्या करना है, हमारी इक्वेशन में देखो फर्स्ट टू फैक्टर में से क्या कॉमन है, पी कॉमन है, पी ब्रैकेट पी प्लस 2 प्लस 4 ब्रैकेट पी प्लस 2। ठीक है, 4 हमारे यहाँ पे कॉमन था तो हमने कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट पी प्लस 2 लिखा। सो अभी हमारे ये बन गए पी प्लस 2 इंटू पी प्लस 4, ये अभी हमारे दो फैक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे हमारे कोर्स में देखो, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। हमने क्या किया, हमने कोई दो नंबर सोचने थे, जैसे 6 है ये, ठीक है, मतलब ऐड करके या माइनस करके आ जाए हमारा 6 और मल्टीप्लाई करके आए हमारा 1 × −16। क्या आए, मल्टीप्लाई करके −16। ठीक है, देखो ब्रैकेट में मैंने लिख रखी है बात, थिंकिंग टू नंबर्स बाय एडिंग और बाय सब्ट्रैक्टिंग गेट 6 एंड बाय मल्टीप्लाइंग गेट −16। सो अभी हमारे वो दो नंबर कौन से है, 8 एंड −2, पी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 8 −2p −16। सो अभी हमने इसे सॉल्व करके लिखा, पी स्क्वायर प्लस 8p −2p −16, पी ब्रैकेट पी प्लस 8, यहाँ पे −2 ब्रैकेट पी प्लस 8, पी प्लस 8 देखो हमारा यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, पी प्लस 8 इंटू पी माइनस 2। ठीक है, ये भी हमारे आगे इसके फैक्टर्स। अभी बच्चे हमारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.3 के, देखो हमारी 14.2 एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है, 14.3 के सम्स है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे डिवाइड करना है। बच्चे हमारा फर्स्ट पार्ट है 28x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 56x। हमने इसे क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो 28x की पावर 4 इक्वल टू 28 के फैक्टर्स लिखो, 2 × 2 × 7 इंटू एक्स की पावर 4, क्या गया एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, 56x के फैक्टर्स लिखे हमने, ठीक है, 2 × 2 × 2 × 7 इंटू एक्स। हम बच्चे एलसीएम लेके अपने ये फैक्टर्स लिख सकते हैं, जैसे 28 का हमने एलसीएम लिया तो हमारे ये फैक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, एंड 56 का एलसीएम लिया तो हमारे फैक्टर्स आ गए हैं 2 × 2 × 2 × 7। ठीक है, सो 28x की पावर 4 को डिवाइड करना है 56x के साथ। सो अभी हम क्या करेंगे बच्चे, डिवाइड करेंगे। 28x की पावर 4 किसके इक्वल आ रहा है, ये सारे के इक्वल। सो हम उसकी जगह पे ये लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 56x है, उसकी जगह पे ये फैक्टर्स आ रहे हैं। लिखे जो वैल्यूज कट हो रही हैं बच्चे, कट करी, सो हमारे पास सॉल्व होके आ गया x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स ऊपर कुछ नहीं है बच्चे, हम 1 तो लिख सकते हैं, 1/2 x की पावर 3, ये आ गया हमारा आंसर। सो ऐसे हम अपने डिवाइड वाले ये सम करेंगे। सो अभी हमारा बच्चे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड द गिवन पॉलीनोमियल बाय गिवन मोनोमियल। बच्चे पॉलीनोमियल क्या होता है, मोर देन 1, ठीक है, जहाँ पे 1 से ज़्यादा हमारी टर्म्स होती हैं, ठीक है, वो हमारे पॉलीनोमियल होते हैं, एंड मोनोमियल जिसमें खाली एक ही टर्म होती है। अभी हमारे पास जो पॉलीनोमियल गिवन है उसको डिवाइड करना है एक सिंगल के साथ, मतलब मोनोमियल के साथ। ठीक है, सो अभी हमारे पास क्या है, 5x² − 6x है, उसको डिवाइड करना है 3x के साथ। ठीक है, 5x² − 6x उसको इक्वल लिखते हैं। देखो क्या आ रहा है बच्चे, हमारा कॉमन, दोनों में x कॉमन आ रहा है, x(5x − 6), ये बन गए इसके फैक्टर्स। ठीक है, इसको सॉल्व किया, बन गया हमारे पास x(5x − 6). सो अभी हमने ये डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करना है मतलब 5x² − 6 को डिवाइड करना है 3x के साथ।
फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक्स इंटू फाइव एक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री एक्स हमारा एज इट इज। ठीक है, अभी हमारा x के साथ बचे x कट हो रहा है, सो अभी हमारे पास सॉल्व होके आ रहा है 1/3 इंटू फाइव एक्स माइनस सिक्स आंसर। ठीक है, अभी हमारे पास बचे एक और पार्ट है, जैसे 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4 डिवाइडेड बाय, ये होल डिवाइड हो रहा है y की पावर 4 के साथ। देखो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसमें से हम देखते होते हैं कि बच्चे क्या चीज़ कॉमन आ रही है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसमें से कौन सी चीज़ कॉमन है बच्चे, y की पावर 4 कॉमन आ रही है। ब्रैकेट में लिखा 3y की पावर 4 माइनस 4y की पावर 2 प्लस 5, बिकॉज y की पावर 4 तीनों में ही कॉमन थी। ठीक है, सो अभी हम ये सारे को डिवाइड जब करेंगे, सो ये हमारे फर्स्ट फैक्टर की जगह पे जो हमारी वैल्यू आई है उसे फिल कर देंगे, y की पावर 4 ब्रैकेट 3y की पावर 4 माइनस 4y² प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाय होल को किसके साथ डिवाइड करना है बच्चे, y की पावर 4 के साथ। कट हो गया, हमारे पास आ गया 3y की पावर 4 माइनस 4y² प्लस 5। सो बच्चे हमारे पास इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है, हमने डिवाइड करना है। ठीक है, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, 5p² माइनस 25p प्लस 20 की होल ब्रैकेट को डिवाइड करना है p माइनस 1 के साथ। ठीक है, हमारे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से देखो बच्चे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 5 पूरी ब्रैकेट में कॉमन आ रहा है, अंदर क्या आया, p² माइनस 5p प्लस 4। ठीक है, 5 ब्रैकेट, ये जो p² माइनस 5p प्लस 4 है इसको सॉल्व करके हमारे फैक्टर बन रहे हैं p इंटू पी माइनस 1 माइनस 4 इंटू पी माइनस 1। सो इसे सॉल्व करके आ गया हमारे पास 5 इंटू पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 4। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल की वैल्यू इतनी आ गई। बच्चे हमने इसको क्या करना है, होल को डिवाइड करना है पी माइनस 1 के साथ। सो हमारी इसकी जो वैल्यू निकली है उसको पुट कर देंगे 5 इंटू पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 4, डिवाइड किया हमने पी माइनस 1 के साथ, ये हमारा कट हो गया, हमारे पास आ गया 5 इंटू पी माइनस 4 आंसर। सो ऐसे बच्चे हमने ये डिवाइड वाले सम्स करने हैं। सो ऐसे बच्चे इन सम्स को आपने अच्छे से रिवाइज करना है, इन्हें आपने रफ नोटबुक पे भी निकाल निकाल के देखना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इससे बच्चे आपकी एक्सरसाइज 14.3 फिनिश होती है। थैंक यू सो मच बच्चे।